Hello guys, in this video I will teach you how to create a cluster bar chart. Cluster bar chart में हम ये show करते हैं कि जो segments हैं वो कितने वो show कर रहे हैं इस एक चीज़ों को. अब हम comparison के साथ करें, हम comparison करते हैं item का, price का और quantity का. अपने सबसे पहले हमने data select कर लेना, हमने उसके बाद insert के option पे आना है और यहाँ पे क्लिक करना है. यहाँ पर इसका हम स्टाइल वगैरह चेंज कर सकते हैं, स्टाइल अपनी पसंद का रखना चाहते हैं, ब्लैक है. अब ये जो बार्स हैं, बार्स के कलर्स वगैरह भी चेंज कर सकते हैं. चार्ट का टाइटल हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, आई टी ई एम, आइटम, प्राइस एंड क्वांटिटी. इसको भी कर सकते हैं. अब ये जो डेटा लेबल्स शो हो रहे हैं, डेटा लेबल्स के कलर हम यहाँ से चेंज करेंगे. अब इसको वाइट कर लेते हैं और इसकी हाइट इंक्रीज कर लेंगे. इसी तरीके से हम पूरे चार्ट के जो डेटा है उसको हम चेंज कर लेते हैं, उसकी जो हाइट वगैरह हम इंक्रीज कर सकते हैं. कलर वाइट बैकग्राउंड में हम ये ले लेंगे. हम इसकी यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे हम इसका जो टाइटल है वो अगर ख़त्म करना चाहिए तो ख़त्म हो जाएगा, नहीं तो वैसा रहेगा. डाटा लेबल एंड डाटा टेबल आ सकती है, इसके अंदर एरर शो कर सकते हैं. और ग्रिड लाइन अगर ख़त्म करना चाहते हैं तो हम ग्रिड लाइन को अनचेक कर देंगे. ट्रेंड लाइन शो करवाना चाहते हैं कि हमने प्राइस की शो करवानी है या क्वांटिटी की, जो हम कहेंगे वो उसी के अकॉर्डिंग इसको शो करेगा. अब हम आते हैं क्लस्टर स्टैक बार चार्ट पर. सेम हमने डाटा सेलेक्ट करना है. अगर आप चाहते हैं कि ये जो नेम आ रही है इनके साथ इनकी आईडी भी साथ है, तो आईडी को इंसर्ट करने का तरीका यही होता है कि हम चार्ट को सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट डाटा पे क्लिक करेंगे, प्राइस पे क्लिक करेंगे, एडिट पे क्लिक करेंगे. उसके बाद हमने वो रेंज देनी है जो लेबल की रेंज है, लेबल रेंज में हम पूरी सिलेक्ट कर लेंगे, उसको ओके कर लेंगे, फिर इसको ओके करेंगे. अब ये जो डाटा में इसकी जो प्राइस है वो उसके अकॉर्डिंग आ रही है, जो आइटम की आईडी वाइज और आइटम नेम वाइज आप देख सकते हैं. हम इसके जो कॉलम्स हैं वो चेंज कर सके, हम इसको इस तरह भी शो कर सकते हैं कि जो ब्रेड है कॉलम कॉर्न है वो हमको सेपरेटली शो करें. तो फिर हमने इसका स्विच कॉलम शो करना है. इसी तरीके से हमने स्टैक बार चार्ट बनाना है. अब ये था क्लस्टर बार चार्ट, हमने बनाना स्टैक बार चार्ट. सेम है, हम डाटा सिलेक्ट करेंगे जो हमने चार्ट के अंदर शो करवाना है, यहाँ पे क्लिक कर देंगे. ये स्टैक बार चार्ट है. अभी इसका हम टाइटल वही दे देंगे, कंट्रोल सी कंट्रोल वी. अब ये पूरी इसकी जो आईडी नंबर है वो भी आ रहा है और आइटम नेम भी आ रहा है. ये इस वजह से आ रहा है क्योंकि जब हमने चार्ट बनाया था तब हमने पूरा डाटा सेलेक्ट किया था. अगर हम ये डाटा कम करना चाहते हैं, इसका जो टाइटल लेबल्स हैं लेबल्स कम करना चाहेंगे, तो हम इसको अनसिलेक्ट कर लेंगे. ये यहाँ से भी हो सकता है और अंदर से भी हम इसको कर सकते हैं. बाकी इसके जो फॉन्ट्स वगैरह हम यहाँ से
चेंज करेंगे, अगर किसी को सिलेक्ट नहीं कर दी, इसके अंदर हमें अपनी लेबल्स वगैरह ऐड करेंगे, फिर लेबल्स के जो फॉन्ट्स है उनके कलर के अकॉर्डिंग हम इसको करेंगे, देखेंगे। अब ये जो स्टैक आ रहा है इसके हम इसका कलर भी हम चेंज कर सकते हैं। इसको फॉर्मेट में आएंगे, शेप में आकर हम इसका कलर कोई भी चूज कर सकते हैं, येलो, ऑरेंज, ब्लू, जो भी हमें इसको अकॉर्डिंग हमने देखना होता है। इसको क्लिक करेंगे, इसका कलर चेंज हो जाएगा। अगर हम इसका कलर चेंज करना चाहें इसका भी वैसे ही हो जाएगा। शेप आउट सॉरी शेप फिल में आएंगे, इसको ब्लैक करना है, ब्लैक करते हैं, उसको सब्ज करना है, जो भी हमने इसको देखना इसको देख लें। अब इसके जो ऊपर लेबल्स हैं, लेबल्स के कलर हम यहाँ से चेंज करेंगे यहाँ पे, और इसको बोल्ड कर देंगे, ज़रा डिसेंट हो जाता है इससे। अब ये तो हो गया, अब हम नया चार्ट बनाएंगे जो है 100% स्टैक बार चार्ट। सबसे पहले हम अपने डेटा सेलेक्ट करेंगे सेम एज, उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये 100% स्टैक बार चार्ट है जो परसेंटेज में शो कर रहा है, लेकिन बजाय परसेंटेज में शो कर रहा है, लेकिन लेबल्स उसके अगर हम यहाँ पे लेबल ऐड करेंगे तो लेबल में ये इसकी जो प्राइस है, जो क्वांटिटी है, वो वैसे ही शो करेगा, परसेंटेज में शो नहीं करेगा। परसेंटेज में शो करना होगा तो हमें अलग से इनकी ना सेपरेटली हमें परसेंटेज शो करनी पड़ेगी। अब हमें ये नहीं पता कि ये कितने परसेंटेज या कितने परसेंट है, लेकिन इसके अंदाजे से हमें पता चल रहा होता है। जो राइस की जो प्राइस है वो अराउंड 78% होगी, जो हमें लेन से पता चल रहा है। हम लेबल्स के जो साइज है वो यहाँ से चेंज करेंगे, और कलर यहाँ से चेंज कर लेंगे। इसका टाइटल हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, टाइटल वही रहेगा, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। शुक्रिया।